please from ICOM online tutorial. My team name is Arumarno. I am team leader and anchor also. Today we discuss about GST. What is GST? What is the scope of GST? What GST plays a vital role in our life? We all know very well GST stands for Goods and Service Tax. It is an indirect tax throughout India led by the central and state government. It is introduced as the Constitution 101st Amendment Act 2017, following the passed the Constitution 122 Amendment Bill. Under GST, there were civil tax are applicable 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. If GST is governed by GST Council by Finance Minister Arun Jaitley of India, it is applicable in India 1st July 2017. Then GST is applicable in three kinds. The first point is that HGST. HGST stands for State Goods and Service Tax. It means where the tax will be collected by the state government. CGST stands for Central Goods and Service Tax. It means where the tax will be collected by the central government. And IGST stands for Integrated Goods and Service Tax. It means where the tax will be collected by the central government for interstate sales. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीएसटी अप्लीकेबल थ्री पार्ट्स में है, अगर हम लोग सेम स्टेट में बिजनेस करते हैं तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कट किया जाता है, लेकिन जीएसटी के पहले वैट सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब होता था रेवेन्यू विल नॉट बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, मतलब इनकम। जैसा कि हम लोग जानते हैं जीएसटी अप्लीकेबल थ्री पार्ट्स में होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। इसका हम लोग आज यूज जानेंगे कहां-कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ट्रांजैक्शन सेम स्टेट में किया जाता है तो अभी सीजीएसटी एचजीएसटी लगाया जाता है, इससे पहले वैट सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब होता था कि जो भी इनकम आएगा वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीचों बीच बांटा जाएगा। जो सेकंड पॉइंट जो हमारा कहता है कि सेल्स विद इन डिफरेंट स्टेट, अगर माल बेचा जाए एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीचों बीच, तो अभी हमारा आईजीएसटी लगाया जाता है, इसके पहले सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्साइज ऑफ सर्विस टैक्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब होता था देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल बाय सेंट्रल, मतलब सिर्फ एक तरह का टैक्स लगाया जाएगा, वो भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के पास ही चला जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि जीएसटी पर जीएसटी के आने से क्या क्या हुआ है और जीएसटी जो है जो रेट ऑफ जो आइटम्स है वो फिक्स कर दिया गया है, तो गौर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीएसटी के रेट के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ जीएसटी रेट इन एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग आइटम्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट जीएसटी 0%, जीएसटी 0% किस पर काटा जाता है। जनरली तौर पर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सामान प्रोड्यूसर से डायरेक्टली खरीदा जाए तो वहां पर जीएसटी 0% लगाया जाता है, मींस वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा लेकिन टैक्सेशन रेट वहां पर नहीं जुड़ेगा। अगर कोई फूड ग्रेन ले ले, वेट सेल्स पल्स एक्सेट्रा वगैरह ले ले, वहां पर जीएसटी हमारा 0% रहता है। अगर कार और बाइसाइकिल्स की टायर ट्यूब्स वगैरह भी अगर यहाँ पर अगर ले लिया जाता तो वो वहां पर जीएसटी 5% लेता, जो कि जीएसटी 0% में वो सब चीज एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है जीएसटी 5%, अगर कोई भी फूड ग्रेन ब्रांडेड हो जाता है, कंपनी के तरफ से रजिस्टर्ड हो जाता है, ट्रेडमार्क वगैरह लग जाता है, जीएसटी नंबर मिल जाता है, वहां पर जीएसटी 5% एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे ब्रांडेड व्हीट फ्लोर ग्रेन्स, कोई भी तरह का ब्रांडेड फूड ग्रेन्स हमारा आ जाता है उस पर जीएसटी 5% है। कार और साइकिल की जो टायर स्ट्रिप होती है, कार और रिक्शा की टायर स्ट्रिप जो होती है उस पर जीएसटी 5% होता है। जो थर्ड पॉइंट हमारा जो करता है वो जीएसटी 12% को लेकर है। अगर यूटेंसिल्स को लेकर हम लोग बात करें तो अल्मोनियम कॉपर स्टील्स का जो भी यूटेंसिल्स आता है उस पर जीएसटी 12% कट होता है। अगर हमारा फ्रोजन फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह आ जाता है, फ्रोजन मीट एंड फिश आ जाता है, कोल्ड स्टोर में जो रखा होता है उस पर जीएसटी 12% एप्लीकेबल होता है। अगर कुछ ड्राइंग बुक्स, पेन, पेंसिल, शार्पनर एक्सेट्रा वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ने लिखने की जो भी चीजें हैं उस पर भी जीएसटी 12% है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, it will be all, it also display on projector what is the what type of good items is applicable at the rate 12% GST, कौन कौन से सामान पर 12% GST लगाया गया है। यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल दिया होगा, आप लोग समझ सकते हैं, there were so many examples are given। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, सेकंड लास्ट है, GST 18% किस पर काटा जाता है। गौर करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर जो महंगा थोड़ा होता है उस पर जीएसटी 18% है। कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, चाइनीज सेट, ग्लास, एलपीजी स्टोव्स वगैरह है उस पर भी जीएसटी 18% है। फाउंटेन पेन का इस्तेमाल जो किया जाता है इंक डाल करके, उस पर भी जीएसटी 18% है। कुछ किताबें आती है, अकाउंट्स बुक वगैरह, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, उस पर भी जीएसटी 18% कट किया जाता है।
इसके अलावा बहुत सारा एग्जांपल दिया गया है प्रोजेक्टर पर, आप चाहे देख सकते हैं। अब अगला जो लास्ट हमारा जीएसटी है वो 28% को लेकर है, जो सबसे हाईएस्ट करता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ले लें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले लें, वॉशिंग मशीन, कूलर, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज एक्सेट्रा, इस पर जीएसटी 28% कट होता है। इसके अलावा कुछ आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दिया गया है, तो स्किन केयर प्रोडक्ट, शेविंग क्रीम, इरेजर एक्सेट्रा वगैरह जो भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा वो सब पर 28% जीएसटी एप्लीकेबल है। कुछ कार वॉश ट्रैक की जो टायर्स की होती है, उस पर भी जीएसटी 28% है, एक्सेट्रा। आपको एग्जांपल बहुत सारा एग्जांपल दिया गया है जो कि 28% जीएसटी एप्लीकेबल है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन को लेकर के। सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, आईटीएफ 3। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन में लेते हैं क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी यहां पर एक कंपनी बना लेंगे एमएस सनलाइट ट्रेडर के नाम से, एमएस सनलाइट ट्रेडर। इसके बाद जो भी यहां पर फॉर्मेलिटी के लिए जो दिया गया है, उसके अलावा हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेंगे। और उसके पहले जब हम लोग लेजर और वाउचर में जाने के पहले जीएसटी को एप्लीकेबल कर लेंगे F11 F3 प्रेस करके। यहां पर पॉइंट दिया हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस, सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स यस। जैसे ही हम लोग यस करते हैं तो ये कॉलम आपको यहां पर जीएसटी डिटेल दे देता है, स्टेट बिहार, कहां से हम बिजनेस कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, जीएसटी नंबर हमारा 15 डिजिट का है, एप्लीकेबल फॉर्म जीएसटी कब से भारत में लागू हुआ, 1 जुलाई 2017। बाकी कॉलम को नो रखते हैं, यहां से हमारा जीएसटी इनेबल हो गया। अब हम लोग लेजर में आते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं। गौर करेंगे सबसे पहला पॉइंट देता है, यहां पर क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन दे रहा था कि एक सेल ट्रेडर से हमने कोई सामान खरीदा है, एक सेल ट्रेडर से हमने कोई सामान खरीदा है, मैं एक सनलाइट ट्रेडर, मैं कंपनी हूं एग्जांपल के तौर पर, और मैंने सामान खरीदा एक सेल ट्रेडर से, तो जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं वो सर्टिफिकेटर होता है। तो हमने सबसे पहले लेजर में बनाते हैं, तो लेजर बना लिया, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट। सबसे पहले हमारा नेम में एक सेल ट्रेडर, ये सर्टिफिकेटर, इससे हमने सामान खरीदा है, सप्लायर है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, बाकी कॉलम को नो रखते हुए यहां पर बैंक नंबर जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक है उसको कर देंगे, सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स में यस डालेंगे। जैसे ही यस डालते हैं तो ये जीएसटी डिटेल्स हमसे मांगने लगता है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, जीएसटी में 15 डिजिट है, पार्टी टाइप नॉन एप्लीकेबल, इज अ कॉमर्स ऑपरेटर नो। ये एक फर्स्ट लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। जो सेकंड लेजर को लेकर है, परचेस का लेजर जो बनता है, वो परचेस जीएसटी @12% अंडर में परचेस अकाउंट चला गया, इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड यस हो जाता है, इस जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल है, सेट अंडर जीएसटी गुड्स, वहां पर यस करेंगे। यस करने के बाद जैसे ही हम यस करते हैं तो काफी हमसे डिटेल मांगेगा। उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन के लिए Alt+L टैक्स हिस्ट्री का भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स जो काटता है वो 12% सेंट्रल टैक्स, वो 6% और स्टेट टैक्स 6% डिडक्टेबल करते हुए हमारा लेजर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जो हमारा जो लेजर बनता है वो टैक्सेशन का लेजर बनेगा, एक हमारा सेम स्टेट में जो किया जा रहा है, तो SGST स्टेट वाला भी हकदार है और सेंट्रल वाला भी हकदार है। तो पहला लेजर हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाते हैं SGST, यहां पर खरीद रहे हैं इनपुट को लेकर लिख देंगे इनपुट SGST, अंडर में चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और टैक्स टाइप जीएसटी है, टैक्स ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी है, टैक्स टाइप स्टेट टैक्स है, स्टेट से रिलेटेड है, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंड ले लेंगे और एक्सेप्ट कर लिया वाउचर। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, CGST को लेकर के अंडर में ड्यूटीज टैक्स है, टैक्स ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी है, टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स है, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, इस तरह से हमारा लेजर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में इन्वेंटरी इन्फो में हम जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली इन्वेंटरी इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट, कि कौन सा सामान हमने एक्सेल ट्रेडर से खरीदा है। हमने एलईडी बल्ब को खरीदा है, नेम में डाला बजाज एलईडी बल्ब, अंडर में बजाज, यूनिट्स में नंबर ऑफ करके वहां पर डाल दिया, जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल है, सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स यस है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है, और यहां पर सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स जैसे ही यस करते हैं वो हमारा और जीएसटी डिटेल्स मांगेगा, सेम प्रोसेस है जो कि परचेस का लेजर में हम लोग किए थे वही सेम है। उसमें भी Alt+L करेंगे, टैक्स हिस्ट्री देगा, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स 12% रहेगा, सेंट्रल 6%, स्टेट 6%, ये सब प्रोसेस करते हुए हमारा लेजर एक्सेप्ट हो गया। अब हम लोग वाउचर बनाते हैं। वाउचर बनाने का तरीका है गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर, अगर चाहे तो इन्वेंटरी वाउचर से भी बना सकते हैं, बस एक सा शॉर्टकट की है याद रखिएगा, परचेस का अगर काम कर रहे हैं तो F9 प्रेस करेंगे, सेल्स का करेंगे तो F8 करेंगे, काफी शॉर्टकट भी दिया हुआ होता है वाउचर के लिए। हम लोग हमारे परचेस पर काम कर रहे हैं, गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर परचेस F9, F9 जैसे ही प्रेस करेंगे वाउचर खुल गया, ये वाउचर इनवॉइस मोड में है क्योंकि हमारा गुड्स से ट्रांजेक्शन रिलेटेड है। गौर करते हैं सबसे पहले डेट 1 अगस्त 2017 यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह से पार्टी अकाउंट है, एक सेल ट्रेडर होगा,
परचेज लेजर परचेज जीएसटी एट द रेट 12% होगा और इसके बाद इंटर पे हम प्रेस करेंगे ऑसिलेट करने में जो इन्वेंटरी हमने बनाया था 50 एडिटी बल्क का क्वांटिटी में जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 रेट में 200 अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है 5000 इन नॉमिनल से बाहर निकलने में टैक्सेशन को सेलेक्ट कर लेंगे एसजीएसटी को सेलेक्ट करा 300 काट दिया सीजीएसटी को सेलेक्ट किया 300 कट कर दिया मेंस 5000 पर 12% काटा गया टोटल 600 आया 600 में 300 स्टेट वाला काट दिया 300 सेंटर वाला काट दिया ये हमारा वाउचर एक्सेप्ट कर चुका है यहां पर नरेशन में चाहे तो लिख सकते हैं बिग परचेस गुड्स फ्रॉम एक्सेल ट्रेडर एक्सेट्रा में एक्सेप्ट करने में आगे हम लोग ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है अब आगे रिपोर्ट देखने के बारे में यहां पर रिपोर्ट देखने के लिए शॉर्टकट एक मेथड दिया गया गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले एस्टिट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी रिपोर्ट और ये यहां पर आपको रिपोर्ट देखने के लिए ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस है एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी कंप्लीटेड बाय आराधना शर्मा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स यू डोंट लाइक और सब्सक्राइब माय वीडियो Icon online tutorial. Friends, I am Aradhna from Icon online tutorial. I am the role of admin. Friends, जैसा कि मेरे team leader अभी आपको GST के बारे में बताएं, अब उसका जो part बचा हुआ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. First of all, मैं आपको ये बताऊंगी कि GST क्या है. जैसे कि आप जानते हैं कि PAN card बनाने जाते हैं तो उसके लिए PAN number मिलता है. उसी तरह GST के लिए GST number मिलता है, जो कि 15 digit का होता है. तो स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट होता है ना वो स्टेट कोड को डिनोट करता है और बाकी का जो अल्फा 10 डिजिट होता है वो अल्फा न्यूमेरिक को डिनोट करता है इसके बाद जो 13th डिजिट होता है वो स्टेट कोड को रजिस्ट्रेशन को डिनोट करता है इसके बाद जो 14th डिजिट होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है इसके बाद जो 15th होता है वो चेक कोड होता है जो कि आपका नंबर में भी होता है और अल्फाबेट भी होता है स्टेट कोड में आपको कुछ बता देती हूँ और वैसे तो यहाँ पे शो कर रहा है पहला जैसे जम्मू कश्मीर का उसका 01 है कोड इसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश 02 इसके बाद हमारा बिहार का 10 होता है इसके बाद हमारा सिक्किम है तो सिक्किम का 11 होता है उसी तरह आपका और भी कुछ यूनियन टेरिटरीज है उनका भी दिया हुआ है तो उनका जैसे कि दमन एंड दीव है तो उसका हमारा 25 होता है दादर एंड नागर हवेली है तो उसका 26 होता है उसी तरह और भी यहाँ शो कर रहा है बाकी इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि सर्विसेज के बारे में कुछ जैसे कि आइटम्स जो था उसमें बताने वाले उसी तरह सर्विस पे भी जीएसटी कितना परसेंट टैक्स स्लैब है उसका तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जीएसटी 0% जो है वो किस किस पे लगता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एयरपोर्ट सर्विसेज इसके बाद आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विस उसी तरह आपका और भी बाकी दिया हुआ है इसके बाद जीएसटी 5% वो किस किस चीजों पे लगती कौन कौन सर्विस पे लगता है तो आपका जैसे कि ट्रांसपोर्ट बाय गुड्स ऑफ गुड्स बाय एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक्सेट्रा इसके बाद है आपका जीएसटी 12% वो किन किन सर्विसों पे लगता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंटेनर्स बाय रेल शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस इसके बाद है आपका जीएसटी 18% ये टैक्स का किस पे लगता है तो आउटडोर कैटरिंग हो गया मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस हो गया आपका कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर हो गया इसके बाद लास्ट है आपका जीएसटी 28% ये किस किस सर्विसों पे लगता है तो इसमें आपका अकोमोडेशन इन होटल्स इंक्लूडिंग 5-स्टार होटल्स जैसे कि गैम्बलिंग इसके बाद मैं आप लोगों को फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस बताना चाहती हूँ जो कि प्रैक्टिकल है और वो क्वेश्चन है वो इंटर स्टेट का क्वेश्चन है जैसा कि हमारे टीम लीडर आपको सीजीएसटी और आईजीएसटी का क्वेश्चन बताए और मैं आपको आईजीएसटी का क्वेश्चन बताने वाली हूँ इंटर स्टेट का तो वो क्या है आपका कि ऑन 2/7/2017 सनलाइट ट्रेडर्स सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स टू आदित्य झारखंड इंटरस्टेट व्हाइट इनवॉइस नंबर कितना आइटम डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ शो कर रहा था कि तो सबसे पहले फ्रेंड इसके लिए हम लोग क्रिएट करते हैं लेजर तो कैसे करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं इसके बाद देंगे हम लोग अकाउंट इन्फो में जिसमें उसके बाद हम लोग लेजर में जाएंगे और देन लेजर क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि इसमें नेम तो सेल चला जाएगा इसके बाद ये किसके अंदर में जाएगा तो वो आपका सेल्स के अंदर में जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर में इसके बाद है इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड तो उसको हम लोग यस रहने देते हैं देन आपका स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन है उसको उसमें है कि इस जीएसटी
एप्लीकेबल, देन उसको हम लोग एप्लीकेबल करेंगे. सिर्फ अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो, टाइप्स ऑफ सप्लाई किस तरह का है तो गुड्स है. इसके बाद है आपका नेम आदित्य. इसके बाद है आपका कि मेंटेनेंस अंडर किसके अंदर जाएगा, तो सैलरी लेटर्स के अंदर. मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल, तो ये यस है. इसके बाद है आपका डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे. देन चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, उसको नो ही रहने देंगे. देन आपका इन्वेंटरी बैलेंस आर अफेक्टेड, तो उसको हम लोग नो ही रहने देंगे. इसके बाद है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जिसमें पैन नंबर पूछा है तो वो आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि जीएसटी नंबर में पैन नंबर और क्रेडिट होता है. इसके बाद है आपका से करके जीएसटी डिटेल्स, उसको हम लोग यस करेंगे. जैसे ही हम लोग उसे यस करेंगे, वैसे ही कॉलम खुलेगा जीएसटी डिटेल्स का, उसमें आएगा कि रजिस्ट्रेशन टाइप किस तरह का है, उसमें हम लोग रेगुलर करेंगे. इसके बाद आपका जीएसटी जो कि 15% का होता है, उसे हम लोग लिखेंगे. इसके बाद पार्टी टाइप, उसको हम लोग नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे. इसके बाद है आपका इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको हम लोग नो ही रहने देंगे. इसके बाद है जीएसटी डिटेल. इसके बाद है आपका आईजीएसटी में हम लोग को क्या है, उसका क्रिएट लेजर क्रिएट करेंगे आईजीएसटी का, क्योंकि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो आईजीएसटी से ही रिलेटेड है. और तो उसके लिए हम लोग नेम में आईजीएसटी डालते हैं. ये किसके अंदर में जाता है, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में जाता है. इसके बाद हमारा टाइप ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस, तो ये किस तरह का है, तो ये जीएसटी का है. इसके बाद टैक्स टाइप किस तरह का, ये टैक्स टाइप है, तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स है. इन्वेंट्री वैल्यू पर अफेक्टेड, उसको हम लोग नो ही रहने देंगे. इसके बाद है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0%, अगर दिया होता तो वो कर सकते थे. इसके बाद हमारा दिया हुआ है और भी बाकी, तो जैसे है वैसे करेंगे. अगर उसमें हम लोग एक राउंडिंग है, उसमें हम लोग नॉर्मल राउंडिंग भी कर सकते हैं. अगर नॉर्मल राउंडिंग करते हैं तो उसमें उसका फायदा ये होता है कि जो भी हम लेजर पहले से बनाए हुए हैं तो उसको हमको फिर से बनाना नहीं होगा, वही लेजर काफी साल में कनेक्ट हो जाएगा. ओके फ्रेंड, इसके बाद लास्ट में हम लोग रिपोर्ट अगर देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट भी देख सकते हैं. उस रिपोर्ट में आपको क्या करना होगा, इसके बाद पहले तो आपको सेल्स का वाउचर क्रिएट करना होगा. उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ तो फ्रेंड मैं आपको बताई थी वाउचर कैसे पास करेंगे सेल्स का. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैलेंट में जाएंगे. इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे. देन हम लोग प्रेस करेंगे एफर्ट, तो आपका सेल्स वाउचर आ जाएगा. उसके लिए आपको क्या करना होगा, पार्टी अकाउंट मेन में जाएंगे. उसमें क्या है, उसमें आदित्य का है, तो आदित्य का डालेंगे. इसके बाद कैसा लेजर है, सेल्स लेजर है, तो सेल्स का नाम डालेंगे. इसके बाद जिसका क्वेश्चन है वो करेंगे, किसका क्वेश्चन तो बता देंगे कि उसको कितना, इसका क्वांटिटी कितना है तो 15. इसके बाद उसका रेट पर रेट कितना है तो 250 है. देन आपका अमाउंट जो आया वो यहाँ शो कर रहा है. इसके बाद फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी कि इसका रिपोर्ट कैसे निकालते हैं. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी रिपोर्ट कैसे निकालते हैं. वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेटवे ऑफ टैलेंट में जाना होगा. इसके बाद डिस्प्ले में जाना होगा. इसके बाद सैलरी रिपोर्ट यहाँ पे शो भी कर रहा है. इसके बाद आपको जीएसटी रिपोर्ट में जाना होगा. देन आपका जीएसटी शो करेगा आप जो बनाए हैं. और अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट निकाल सके इसका, तो आपको अल्ट भी करना होगा, और अल्ट भी करने के बाद आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. स्टार्ट. Hi guys, I am Prince from Icon Online Tutorial. My team name is Almano. I am in the role of actor and team leader. Hey guys, this is Atap Reza. My team name is Almano. My role is cameraman. Thank you. Hi guys, my name is Prabhu Sharma. My team is Kavi Banu. My role of this technical support. Hi friends, I am Aradhana from Icon Online Tutorial. I am the role of anchoring. My team name is Abhimanyu. Hi, this is Saira from Icon Online Tutorial. My team name is Abhimanyu. I am the role of scriptwriter. Hello guys, I am Shalu Sharma. I am the role of editor. Thank you. Hi friends, I am Darshanur. Thank you. My team is scriptwriter. Co-scriptwriter. Hi friend, I am Lakshanur. My role is